भाई ये देखो यहाँ पे बच्चों के गुब्बारे मिल रहे हैं। इस भाई से रेट पूछता है गुब्बारों का कितना है। कितने का है गुब्बारा? 250। भाई ये देख रहे हो 30-40 रुपए का गुब्बारा यहाँ पे 250 का मिल रहा है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अभी सुबह। गाइज जैसा कि आपको पता हम नेपाल काठमांडू आए हुए हैं, तो आज हमारा प्लान बन गया लोकल साइट सीन का। सबसे पहले भाई हम जाने वाले राजा के महल, आपको दिखाएंगे भाई राजा का महल कैसा है यहाँ के का। बाकी भाई अपना होटल भी कुछ राजा के महल से कम नहीं है, मस्त मस्त पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे भाई, मजा आ रहा है। तो भाई अभी सारे रेडी हो गए हैं, सस्ते राजा जा रहे हैं राजा का महल देखने। आज भाई एक आध रानी को पकड़ के लेके आएंगे। अब कहाँ मिलेगी रानी? चलो भाई अपनी महारानी अल्टो आ गई फिर से भाई, पहाड़ों की रानी अल्टो। चलो तो भाई अभी निकल लिए भाई महल के लिए, महल में चल के दिखाते हैं आपको भाई कैसा महल है। विकास को उधर ही छोड़ देना महल में, हमें चौकीदार की जरूरत है क्या महल में? विकास को भाई दरबान लगाए महल में, आला पकड़ के खड़ा होता है ना जब वो। तो भाई सामने है महल, मगर भाई खतरनाक भूख लगी है, अभी कुछ पहले खाते पीते हैं फिर चलेंगे महल में। KFC मिल गया यहाँ पे बड़ी मुश्किल से, बर्गर खाएंगे जाके वहाँ पे आराम से। भाई कहीं पता लगे KFC में वेज बर्गर ही नहीं है यहाँ पे, पोपट हो जाएगा खतरनाक होगा तो वापस आ जाएंगे। ये देखो भाई पिज्जा हट और KFC मिल चुके हैं। तो भाई अभी मस्त बर्गर ऑर्डर कर दिए। भाई देख रहे हो कितना बड़ा बर्गर है यहाँ का, 1000 रुपए के 3 बर्गर है। तो भाई बर्गर देखने में तो मस्त लग रहा है, अभी मस्त निपटाते हैं उसके बाद दिखाते हैं आपको राजा का महल, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो भाई अभी मस्त बर्गर खा लिया, अभी चलते भाई राजा के महल में और देखते भाई कितनी रानियां राजा जी। हमारे इंडिया में तो 100-150 से कम रानियां नहीं होती थी। ये देखो भाई कितना सुंदर महल है। भाई अंदर मोबाइल फोन ले ही नहीं जान दे रहे, इसलिए भाई कैंसिल करते हैं आपका प्रोग्राम। तो भाई राजा के महल में तो एंट्री नहीं हुई, अभी हम जा रहे हैं भाई डोलेश्वर महादेव टेंपल, वो यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है और मस्त पहाड़ी रास्ता है। चलो भाई अपनी टैक्सी आ गई है, अभी चलते हैं। ये देखो भाई यहाँ पे खतरनाक प्रोटेस्ट हो रहा है, पुलिस आ गई पुलिस। ये देखो भाई बिल्कुल पहाड़ी रास्ते में आ गए हम, नेपाल की कुल्लू मनाली, बिल्कुल जंगल का रास्ता, बहुत ही तगड़ा। ये देखो भाई कितना सुंदर व्यू है भाई पहाड़ों का। भाई नेपाल के पहाड़ बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर भाई, बिल्कुल ऐसा सीन है जैसा सीनरियों में देखा था। तो भाई अभी पहुंच चुके हैं डोलेश्वर महादेव टेम्पल के यहाँ, अभी प्रसाद लेते हैं और उसके बाद चलते हैं। तो भाई अभी डोलेश्वर धाम पे पहुंच चुके हैं, बहुत ही अद्भुत मंदिर, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि जो केदारनाथ बाबा हैं उनका शीश यहाँ पे है। ओम नमः शिवाय। तो भाई दर्शन करो भगवान के, तो भाई नंदी भगवान के दर्शन करो। अभी भाई अंदर दर्शन करके आ गए हैं, बहुत ही अद्भुत दर्शन हुए। अद्भुत दर्शन, बहुत बढ़िया। पर ये लोग गर्भगृह में एंट्री नहीं करने देते, ये गलत है। भाई मंदिर के पास की जगह का व्यू देखो भाई कितना ब्यूटीफुल है, बिल्कुल पहाड़ी इलाका, बहुत ही सुंदर भाई, नेपाल के पहाड़ों की ब्यूटी अलग ही है। तो गाइस अभी दर्शन करके निकल लिए हैं, अभी भाई एक्सप्रेस दर्शन यात्रा जा रही है भाई बूढ़ा नीलकंठ विष्णु टेम्पल, वहाँ पे भाई भगवान विष्णु की एकमात्र लेटी हुई मूर्ति है, तो वहाँ दर्शन करवाएंगे आपको। बाकी भाई मेरे चीते बहुत महंगी गाड़ी में बैठे हैं पीछे, पूरी फीलिंग ले रहे हैं भाई, 30 लाख वाली लग्जरी गाड़ी है भाई, ये हल्के मत लेना इसे, लॉर्ड एल्टो पहाड़ों की रानी। ये देखो भाई नेपाल के पेट्रोल पंप भाई 183 रुपए लीटर तेल है यहाँ। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं बूढ़ा नीलकंठ मंदिर, चलो भाई अभी अंदर चलते हैं और दर्शन करवाते हैं आपको। विश्व के अंदर एकमात्र विष्णु जी की मूर्ति जो लेटी हुई है भाई बूढ़ा नीलकंठ मंदिर परिसर चेक करो। तो भाई दर्शन करो भगवान विष्णु के, दुनिया की एकमात्र विष्णु भगवान की मूर्ति जो लेटी हुई है भाई, माता लक्ष्मी के भी दर्शन करो। भाई अभी बहुत ही अद्भुत दर्शन हुए, अभी भाई होटल की तरफ चलते हैं और भाई पशुपतिनाथ जी की शाम की आरती भी अटेंड करेंगे। चलो भाई अभी मस्त दर्शन हो गए हैं, अभी चलते हैं भाई होटल की तरफ, उसके बाद शाम को चलेंगे भाई आरती अटेंड करने। रात तो भाई तूफानी दर्शन कर दिए, अभी तो गंगा आरती भी बची हुई है। मेरी चंद्रमा तिम्रो समझना आठी प्रहर याद आउँछ। चलो तो भाई अभी घूम के आ गया होटल में, अभी भाई शाम को चलेंगे आरती अटेंड करने। तो गाइस अभी रेस्ट कर लिया है, अभी हम जा रहे हैं पशुपतिनाथ जी टेंपल, वहाँ पे भाई मस्त गंगा आरती होती है, वहाँ पे गंगा आरती अटेंड करेंगे और आपको दिखाएंगे भाई। चलो तो भाई अपनी टैक्सी आ गई अभी VIP वाली, अभी जल्दी से चलते हैं मंदिर और भाई आरती दिखाते हैं आपको।
भाई अभी मंदिर के यहाँ आ गए हैं, अभी घाट पे जा रहे हैं जहाँ पे आरती होती है। बाबा पशुपतिनाथ को। तो भाई आरती अटेंड करके तो अलग ही अनुभव हुआ भाई, मजा आ गया। बाकी ये देखो भाई कहाँ नदी में उतर गए भाई, रात को कहाँ जा रहे हो नदी में। तो भाई अभी हम खा रहे चना जोर गरम, गाना तो सुना ही होगा, चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, वाह वाह भाई यही है वो मजेदार चना। भाई ये देखो यहाँ पे बच्चों के गुब्बारे मिल रहे हैं, इस भाई से रेट पूछते गुब्बारों का कितना है, कितने का गुब्बारा? 250। भाई ये देख रहे हो 30-40 रुपए का गुब्बारा, यहाँ पे 250 का मिल रहा है भाई, नेपाल में बहुत महंगा है ये चना जोर गरम भी भाई, 60-70 रुपए का, हमारे वहाँ 20 में मिल जाता है। तो भाई अभी शॉपिंग कर रहे हैं, निकालो कुकरी, ये देखो भाई दुनिया के सबसे महंगे बैलून। तो भाई अभी चलते हैं होटल की तरफ, भाई अपनी टैक्सी आ गई है, वीआईपी टैक्सी आ रही है, हर बार ऐप से बुक करते ही वीआईपी टैक्सी आ जाए। तो भाई अपनी सुपर कार में निकल गए अभी हम, भाई साहब इतनी सुपर कार में आज तक ट्रैवल नहीं किया भाई जीवन में, अपनी धन्नो को सुपर कार मानता था मैं, मगर ये धन्नो से भी ऊपर धन्नो है भाई। तो गाइस अभी हो चुकी शाम, अभी कुछ मस्त सा खाने पीने जा रहे हैं। भाई कहाँ लेके चल रहे हो आज, कल तो बहुत घटिया खाना खिलवाया भाई तुमने, आज की जगह सरप्राइज है, बहुत मस्त जगह लेके जाऊंगा। गाइस दो दिन हो गए भाई खाना बढ़िया नहीं मिला कहीं भी, आज देखते हैं भाई कैसा मिलेगा, कहीं आज भी एक्सपेरिमेंट ना हो जाए। कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, बहुत बढ़िया चलेंगे। तो भाई अपनी टैक्सी आ गई अभी, अभी चल के देखते हैं भाई आज का एक्सपेरिमेंट कैसा है। देख कर भाई हमारा ड्राइवर आ गया, हैवी ड्राइवर देख रहे हो भाई, कट वट मार के भाई भयंकर। भाई विकास नेपाल के किसी दोस्त की शादी में ले आया, ये देखो भाई मस्त खाना खा रहे हैं हम। तो भाई तेरा दोस्त यहाँ भी था? मेरे दोस्त हर जगह हैं भाई, हम बिगर बुलाए ना वैसे किसी शादी में पहुंचे। तो भाई अभी मस्त खा पी लिया, अभी चलते भाई घर की तरफ। भाई नेपाल के बैंकेट हॉल देख लो कितने मस्त होते हैं। तो भाई फाइनली अपनी कैब आ चुकी है, विकास के दोस्त पे हैप्पी मैरिड लाइफ कह के हम निकल गए। गाइस अभी होटल की तरफ जा रहे थे और वही रास्ते में खतरनाक बारिश शुरू हो चुकी है। तो गाइस अभी घूम घाम के आ गए होटल में, होप करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी भाई शादी में मस्त मजा आ गया।